हम इंसानों की दुनिया में एक ऐसी भी दुनिया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ, बात कर रहे हैं धरती पे मौजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिवर की। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये धरती पे ऐसी अमेज़न की नदियां हैं जो काफी बड़ी अनसुलझे रहस्य सुलझाए बैठा है, क्योंकि अमेज़न नदी काफी खौफनाक और रहस्यमय नदी में से माना जाता है, जहां पे हम इंसानों की दुनिया में अपने जीवन में एक एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए जोड़ तोड़ से कोशिश में लगे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जीव जंतु छोटे से लेकर बड़े तक हर एक प्रजातियां अपने जीवन में जोड़ तोड़ से कोशिश में लगे हुए होते हैं। माना जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले, यानी 67 मिलियन साल पहले, जब पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर का राज था, तो उस समय अमेज़न के वर्षावन काफी बड़ी थी, क्योंकि कुछ डायनासोर मांसाहारी, कुछ डायनासोर शाकाहारी थे। इसी वजह से यहां वर्षावन खत्म हो रही थी। लेकिन एक दिन डायनासोर पे प्राकृतिक का ऐसा काल चक्र घूमा जो उस समय पृथ्वी की सारे डायनासोर खत्म हो गई। फिर पृथ्वी पर समय के साथ साथ धीरे धीरे हर एक प्रजातियां उत्पन्न होने लगे। तब हम इंसानों की बस्ती बन गई। इसीलिए हमारे पूरे यूनिवर्स में इंसानों की बस्ती पृथ्वी कहलाती है। आखिरकार कहते हैं विनाश के बाद ही विकास होते हैं। अगर हम बात करते हैं अमेज़न नदी की, तो ये इतनी लंबी नदी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये अमेज़न नदी लंबाई की बात करें तो ये 62 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक है, जो काफी बड़ी मानी जाती है। ये अमेज़न नदी अंटार्कटिका महासागर से मिलती है। अगर हम बात करें तो ये अमेज़न नदी की 8 देशों में फैली हुई है, जो सबसे पहले में आता ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना से मिलती है। लेकिन हां, ये अमेज़न नदी में काफी खौफनाक और रहस्यमय नदी में जाना जाता है, क्योंकि अमेज़न नदी में बड़े छोटे जीव पाए जाते हैं। क्योंकि अमेज़न नदी लंबाई में दूसरी नंबर पर आती है दोस्तों। अगर अमेज़न नदी ईस्वी की बात करें तो अमेज़न नदी 1541 ईस्वी में खोज हुई थी, जो इसके लिए पता लगाने वाले पहला यूरोपीय स्पेनिश फ्रांसिस्को की आरेलाना थे, जिन्होंने महिला योद्धाओं की जनजातियों के साथ धमासन लड़ाई हुई। उसके बाद लड़ाई की रिपोर्ट करने के बाद इस नदी को अपना नाम दिया था, जिसकी तुलना उन्होंने ग्रीक पौराणिक कथाओं के अमेज़न से की थी। फिर उसी दौरान अमेज़ोनिया नदी नाम रख दी गई। ये अमेज़न नदी में आज भी लोग जाने से डरते हैं, क्योंकि अमेज़न नदी में एंडाकोंडा और कई तरह के सांप पाए जाते हैं, जो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अगर हम अमेज़न नदी रहने वाला सबसे वजनदार जानवर की बात करें तो इसका नाम अमेज़ोनिया मैनेटी, जो वैज्ञानिकों द्वारा रखा गया। अगर इसकी वजन की बात करें तो ये 800 पाउंडर से भी अधिक है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओएल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।